दोस्तों, जब से न्यू सिलेबस आया है स्टूडेंट के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है कि सर ग्रुप वन दें, ग्रुप टू दें या फिर बोथ ग्रुप दें। बहुत सारी मार्कशीट मेरे पास आई, मैं आपको अपने हिसाब से नहीं बोलूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दूंगा, नॉट बाय इमोशंस, बाय द रैशनल माइंड कि हमें क्या करना चाहिए। सो आपके पास एक डायरी और पेन होना चाहिए, मुझे सिर्फ अपने 10 मिनट्स दे दो, उसके बाद तुम किसी को भी बोल सकते हो कि ग्रुप वन देना है कि बोथ ग्रुप देना है। यू विल बिकम एक्सपर्ट विद इन दिस मोमेंट। देखिए सर, मान लीजिए आपके पास 100 डेज है एग्जाम के, राइट? 100 डेज में आपको 10 डेज लेस करके चलना है। हो सकता है तबियत खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो सारा पहले से लेके। तो लेट सपोज यू हैव इफेक्टिव 90 डेज फॉर योर स्टडी। कितना टाइम है आपके पास? 90 डेज। ओके, अगर हम सिंगल ग्रुप पे जाते हैं वी हैव 3 सब्जेक्ट, और अगर हम बोथ ग्रुप पे जाते हैं वी हैव 6 सब्जेक्ट, राइट? मैं आपको मार्क्स वाइज नहीं बोलूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप जीरो से पढ़ रहे हैं। जीरो से कुछ नहीं आता सर हमें, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। वी डोंट नो नथिंग, वी जस्ट नो वी हैव टू क्लियर सी एग्जाम। सो व्हाट इज द अप्रोच, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। सर मान के चलिए आप फुल टाइम स्टडी करते हैं, राइट? एग्जाम्पल ले लिया आपने फुल टाइम स्टडी की, और फिर हम ये लेंगे कि आप पार्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है? एवरी थिंग आई विल डिस्कस आर्टिकलशिप पे। तो क्या करके पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं फुल टाइम का, पहले फुल टाइम का केस समझ लो, फिर हम पार्ट टाइम की बात करेंगे क्या करना चाहिए, राइट? तो सर अगर 90 डेज आप डिवोट करने वाले हैं, एज्यूमिंग दैट कि आप 6 आवर्स तो कम से कम देंगे ही देंगे, चाहे आप ग्रुप वन कर रहे हैं बोथ ग्रुप दे रहे हैं, सो यू हैव टू डिवोट 540 आवर्स। ओके, राइट? अगर मैं देखूं कि आपको 540 आवर्स देना है, राइट, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो अगर हम 90 डे के हिसाब से कंक्लूड करें तो डिवाइड बाई 3 वी हैव 30 डेज पर सब्जेक्ट, 30 डे पर सब्जेक्ट। तो मेरा एक क्वेश्चन आया, क्या एक सब्जेक्ट को 30 डेज में करना पॉसिबल है अगर हम बात करें फुल ट्रैक 100% सिलेबस के साथ? तो 100% यस, यू कैन डू इट। यहां पे आप समझिए मैं बात कर रहा हूं, स्क्रैच से पढ़ रहा हूं, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहा हूं, 100% पॉसिबल है। तो यानी हम 100% सिलेबस पढ़ते हुए विथ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते हुए विथ एवरीथिंग वी कैन कवर इट। यस, इट इज 100% प्रैक्टिकल कि आप ग्रुप वन या फिर आप ग्रुप वन दे रहे हो पहली बार, ग्रुप टू दे रहे हो पहली बार, या फिर ये भी हो सकता है कि आप रिपीटेड स्टूडेंट्स हो, आप किसी टीचर की हेल्प के साथ कर रहे हो, नहीं हो रहा आपका सी एग्जाम क्लियर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आवर फोकस ऑन कि भैया हमें क्लियर तो करना है ना। ओके, सो ये एक चीज की श्योरिटी मिल गई कि हाँ भैया हम दे सकते हैं। अब बहुत सारी केस स्टडी आ जाएंगे, सर मेरे ना 90 मार्क्स थे क्लासेस लू कि नहीं लू, सर मेरे 100 मार्क्स थे क्लासेस लू कि नहीं लू, सर मेरे 180 मार्क्स थे क्लासेस लू कि नहीं लू। ये एक अलग क्रिटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग हियर कि हमें, मैं इसका भी अलग वीडियो बना दूंगा सेल्फ स्टडी वर्सेस क्लासेस, लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है कि सर ग्रुप वन वर्सेस बोथ ग्रुप। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द अदर साइड। अदर साइड क्या, 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, 90 डेज है हमारे पास इफेक्टिव, प्लस यहां पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कम से कम 10 आवर्स तो आप पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे 10 आवर्स। सो व्हाट वी हैव 900 आवर्स। ओके, तो सर 90 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे इट्स अराउंड 16 डेज अप्रोक्स, ठीक है, 16 डेज अप्रोक्स आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आर यू इनफ इफिशियंट, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन समझना, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे कह रहे सर मैं खुद से कर लूंगा, मैंने पहले से ये दिया था, मेरा 190 आया था, मेरा ये आया था, मेरा वो आया था, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल, तुम्हारा जो भी आया था, बट माई क्वेश्चन इज आर यू इनफ इफिशियंट विथ न्यू सिलेबस, न्यू बुक्स, विथ न्यू अमेंडमेंट्स, न्यू क्वेश्चन बैंक, कैन यू डू इट सेल्फ, खुद से कर पाओगे? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, कैन यू डू इट? अगर येस सो गो फॉर बोथ ग्रुप। ओके, अब सर एक चीज और कि 16 डेज पर सब्जेक्ट करना है, उसका सिलेबस का आइडिया है आपको बोथ ग्रुप का? लेट मी क्लेरिफाई यू, आई हैव अ बोथ ग्रुप प्लान, बोथ ग्रुप प्लान। ओके, आइए मैं आपको शो कराता हूँ, जरा एक बार सिलेबस देख लीजिए आप। लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले टैक्सेशन का सिलेबस। टैक्सेशन में देखो भैया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आपके, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, फिर आपको हेड ऑफ इनकम हो गया, अदर पर्सन का टॉपिक हो गया, एग्रीगेशन हो गया, डिडक्शन हो गया, एडवांस टैक्स, और ये सब सोचो क्या तुम ये खुद से 8 दिन में कर सकते हो? अगर जवाब है नहीं तो बोथ ग्रुप कैसे करोगे?
मैं डरा नहीं रहा, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन। उसके बाद कर लेते भाई जीएसटी की बात। जीएसटी क्या तुम 8 दिन में कर सकते हो? 16 दिन में करने का मतलब यही हुआ विद चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, दिक्कत आएगी ना। समझो बोथ ग्रुप का लेवल समझो, क्या 100 डेज में बोथ ग्रुप पॉसिबल है, उसी का जवाब दे रहा हूँ। सर मैं तो कर सकता हूँ और आप भी तो अपना बैच बना रहे हो, करवा रहे हो। देखो वो अलग है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी स्टूडेंट। अगर आप प्लान कर रहे हो तो पहले से क्लेरिफाई कर लो जी करना है कि नहीं करना है। अभी इसी में मैं आपको एक सब्जेक्ट दिखाता हूँ जो आप सबका रूबरू सब्जेक्ट है। दिस इज ऑर्टिंग, नॉट ऑर्टिंग, ऑर्टिंग हो जाएगी। आई एम जस्ट आस्किंग द कॉस्टिंग, कैन यू कंप्लीट द 50 चैप्टर्स इन 16 डेज? इफ आंसर इज येस, बस दो सब्जेक्ट, मैं दो का पूछ रहा हूँ भाई, दो ही पॉसिबल नहीं है, एक टैक्स और एक कॉस्ट। मैं इन्हीं दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आप इन्हें 32 डेज अराउंड 1 मंथ में कर सकते हैं विथ सेल्फ स्टडी? अगर आंसर है हाँ, आपकी साइड से अगर आंसर है येस आई कैन डू, सो गो फॉर बोथ। बाकी सब्जेक्ट की टेंशन मत लो, वो निपट जाएंगे, लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बोथ पे जाइए। सर आपने डरा दिया, आपको तो हिम्मत देनी चाहिए थी, आप तो एक टीचर हो, कैसे बता रहे हो आप तो बच्चों को डरा रहे हो। बेटा डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, हकीकत को जान लो ना कि मेरी मंजिल कहाँ है। अब देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, अब मैं फुल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अब मेरे से अगर आप पूछो कि सर ये क्या पॉसिबल है, आज एक बच्चे ने मेरे से पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, मैं उनको बता रहा हूँ। अभी 14-15 लास्ट डेट है मेरे यहाँ संकट मोचन सुपर 30 बैच की। सर इसमें क्या होने वाला है, बवाल क्या है सर ऐसा अलग? मैं सबसे बड़ी बात, 90,000 फॉलोवर है मेरे यूट्यूब पे, कम से कम 500 स्टूडेंट्स का एडमिशन तो मैं ले ही सकता हूँ ऑफर डाल के, राइट? 500 स्टूडेंट्स तो ले ही सकता हूँ, कितने रुपए आ जाएंगे? तकरीबन 50 लाख to 1 करोड़ मैं अर्न कर सकता हूँ सिंगल एक ऑफर डाल के, या तो मेंटरशिप या किसी भी थ्रू, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, राइट? मेरा प्लान क्या था, मैं अभी इस बार अभी बालाजी गया था, वहाँ मेडिटेशन कर रहा था हनुमान चालीसा के साथ, तो मेरे दिमाग में ख्याल क्या आया, मैंने पूछा प्रभु, उनका हवन करते हुए बात होती है गॉड से जब आप कनेक्टेड हो जाएंगे, तो मैंने पूछा प्रभु मैं क्या करूँ यार, बाकियों की तरह या पहले जैसा मैं खुद भी करता था वैसे ही करूँ या क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा इस बार तो प्रीमियम बना, तो इसका मैंने रखा स्पेशल प्रीमियम बैच। प्रीमियम में क्या सर? तो मुझे गॉड की साइड से हिंट आया कि तू ऐसा बैच बना 100% गारंटेड वाला कि अगर बच्चा आए ना तेरे पास तो वो पास होके जाए। ऐसा कोई तरीका है तेरे पास? तो मैंने कहा तरीके तो है। उसने कहा चल अप्लाई कर। तो मैंने कहा सर मैं मतलब भगवान से कि भगवान जी फिर सब छोड़ दूं मैं और ये 500 बच्चे छोड़ दूं, ओनली 30 बच्चे फोकस करूं? उनका हाँ जी बस इसी पे करो। आई एम सो वरिड, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन आगे किया तो मुझे समझ में आया कि यार इट इज पॉसिबल। तो इसके अगर आपको एडमिशन लेना हो संकट मोचन सुपर 30 बैच का, सर इसमें होने क्या वाला है, इसमें मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से डेली टारगेट करेंगे, अगर आप मेरे हिसाब से 100% अगर आप मेरी तरफ से सारी वीडियो जो मैं दूंगा वो देखेंगे, अगर आप मेरी तरफ से 100% मेरा प्लान फॉलो करेंगे, अगर आप मेरी तरफ से 100% अगर टेस्ट देंगे, अगर आप 100% मेरी मेंटरशिप को फॉलो करेंगे, आप 100% गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आप 100% मेरा दिया हुआ हर प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आई एम गिविंग यू 100% कि तुम इस बार पास हो जाओगे। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? तो इसीलिए मैंने कहा भाई 500 बच्चों पे नहीं आना, 50 बच्चों पे भी नहीं आना, बस 30 स्टूडेंट्स। 3 इज माई लकी नंबर, दैट्स वाई आई जस्ट कॉल इट 30, ठीक है? तो एस संकट मोचन सुपर 30 बैच। अगर आपको 0.1% भी डर है ना, मैं आपको बोलता हूँ आप ये ज्वाइन करो। सर इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि May 24 तुम्हारी लाइफ का लास्ट अटैम्प्ट होगा। आप इसे ग्रुप 1 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसे बोथ ग्रुप के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जैसा भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, बस ओनली 30 स्टूडेंट्स। और इसका एडमिशन दोबारा आपको नहीं मिलेगा, और ये मैं May 24 के लिए दोबारा बनाऊंगा नहीं। 30 स्टूडेंट्स, फुल प्रीमियम स्टूडेंट्स, जिन्हें मैं अपना स्पेशल जूम सेशन का टाइम दूंगा, स्पेशल अपनी हार्ड बुक्स दूंगा, स्पेशल फुल डेप्थ लेक्चर करवाऊंगा, मल्टीपल कम्युलेटिव रिविजन कराऊंगा, फुल डेप्थ नॉलेज के साथ, रिटर्न प्रैक्टिस के साथ, चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट पेपर के साथ, मतलब मैं हर वो पिलर आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जिससे आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि 100% ये अटैम्प्ट मेरा अटैम्प्ट है, अगर आप चाहते हो कि नहीं 100% इस बार मैं पास हो ही जाऊँ, तो ये तुम्हारा है। सर मान लीजिए आप 100% बोल रहे हैं, अगर 1% भी हम ही एग्जाम नहीं देने गए या हम फेल हो गए तो क्या?
तो भैया जो मेरा अगला बैच होगा, ठीक है, नेक्स्ट बैच, वो तुम्हारे लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तुमसे ना वीडियो के चार्जेस लेंगे, ना प्लानिंग के, ना डेली टारगेट के, ना जूम सेशन के, 100% फ्री। यानी जब तक ये स्कीम कंटिन्यू है, मेरा प्रॉमिस तुम्हारे साथ है, किसी भी वजह से तुम एग्जाम नहीं दे पाए, नेक्स्ट बैच 100% फ्री फॉर यू। सर इसकी फीस वगैरह क्या है? तो देखो फीस भी कोई देता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं पेरेंट्स का सिग्नेचर लूँगा, पेरेंट्स से मम्मी पापा का नंबर लूँगा, सबसे बात करूँगा, और तभी आना इसमें जब तुम मुझे अपना हर एक सेकेंड दे दोगे। 100 days अगर आप मेरे नाम कर देते हो, मैं 100% रिजल्ट तुम्हारे नाम कर दूंगा। इफ़ यू इंटरेस्टेड जस्ट व्हाट्सअप मी 9354719404। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कर लेना। मेरे पास इतनी सीट है नहीं, अराउंड 10 to 15 सीट वैसी फुल हो गई है, अराउंड 10 to 15 पेंडिंग होगी। अगर आपका नंबर लग गया और अगर आपका एडमिशन हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो, अगर आप वीडियो ये 15 के बाद देख रहे हो, 15 जैन के बाद देख रहे हो, तो भी आप मुझे मैसेज मत करना, ऑफर लैप्स हो चुका होगा। अगर आप लेटेस्ट ये वीडियो देख रहे हो तो पूछ लेना, अगर कोई सीट है तो डेफिनेटली ज्वाइन इट। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस बार आपका रिजल्ट 100% आपका होगा। अगर आपको लग रहा है कि सच में आप रिग्रेट फील कर रहे हो सीए में आके, आपको लग रहा है कि मैं दुखी हो गया, मेरे से पास नहीं हो रहा, अटैम्प्ट देते देते थक गए हो, आपसे खुद से आर्टिकलशिप के साथ मैनेज नहीं हो रहा, पढ़ाई के साथ मैनेज नहीं हो रहा, तो ज्वाइन इट। ओके, व्हाट्सअप नंबर इज 9354719404। अच्छा सर, ये तो आपने अपना बता दिया, हमें खुद से ही पढ़ना है, अब आगे गाइड करो। तो देखो यार, एक तरीके से अगर तुम 16 days में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, गो फॉर बोथ करो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट टाइम स्टूडेंट। अब पार्ट टाइम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, पार्ट टाइम वाले यानी जो जॉब कर रहे हैं, जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, सर क्या वो May 24 में फुल सिलेबस 100% पढ़ के दे सकते हैं? लेट्स टॉक। देखो भैया, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आई एम एज्यूमिंग कि मंडे टू सैटरडे आप 4 hours to 5 hours दे सकते हो, आई एम एज्यूमिंग। इतना भी तुम नहीं दे सकते तो भैया सॉरी, तुम पास ही नहीं कर सकते। एंड संडे को अराउंड तुम 10 to 12 hours दोगे, आई एम एज्यूमिंग इट फॉर योर नेक्स्ट 100 days। अगर तुम ये दे रहे हो तो आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि तुम पास कर जाओगे, सेल्फ स्टडी से भी कर जाओगे। और बताओ, राइट, रेडी? ओके, तो सर आज जरा काउंट कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप Group 1 या फिर Group 2 दे रहे हैं, एज्यूमिंग दैट ऑन एन एवरेज यू आर गिविंग 100 days, लेट सपोज यू आर गिविंग 5 hours, सो माई डियर फ्रेंड यू हैव 500 hours। क्या 500 hours में पास होना पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। सर पर सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो आप चाहे Group 1 दें या Group 2 दें, जॉब के साथ भी पॉसिबल है। लेकिन सर हमसे तो प्लानिंग नहीं बनती, कुछ भी नहीं बनता। तो अगेन आई एम मैंशनिंग माई नंबर 9354719404। अगर देखो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ग्रीन सिग्नल है, कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, तुम्हें किसी का साथ चाहिए जो कोई तुम्हें पकड़ के पास करा दे और वो कह दे कि हाँ भैया May 24 तुम्हारी लाइफ का लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार तुम सी ए फाइनलिस्ट बन के जाओ, सो माई डियर फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। और सर 14-15 बीत गए फिर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हाँ बातचीत करने के लिए मैसेज कर सकते हो, अगर ज्वाइन नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं है, गाइडेंस ले सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद है बोथ ग्रुप। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्वेश्चन करके कि सर मैं ना 4 hours पढ़ता हूँ, बोथ ग्रुप दे सकता हूँ, आर्टिकलशिप चल रही है। सर एक बात लिख लो, कंप्लीटली नो। लेकिन सर मेरे ना 380+ मार्क आए थे लेकिन मैं फेल हो गया, कंप्लीटली नो। अब तुम्हें मुझसे लड़ना है लड़ लो, आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होगी। लास्ट टाइम 200 बच्चों ने 200 स्टूडेंट्स ने मेंटरशिप ज्वाइन की थी मेरे पास, विनर्ता मेंटरशिप, अभी तो मैंने वो स्टार्ट नहीं किया। उस मेंटरशिप में मैंने 50% बच्चों को बोला तुम बोथ ग्रुप मत दो, सिर्फ Group 1 दो, पास हो जाएगा। Group 1 पास ही है और Group 2 में फेल ही है। तो अपने एफर्ट जहां यूजलेस हो रहे हैं उस एफर्ट को वहां लगाना ही क्यों? लेकिन एक बच्चे ने मेरे को कंडीशन दी कि सर मैं ना बस जैन तक बिजी हूं, 1 February से मैं मेरी आर्टिकलशिप खत्म हो रही है, मैं 100% दे सकता हूँ। सर मैं मार्च में भी 100% दे सकता हूँ, क्या मैं अब कर लूँ? हाँ, तब बोथ ग्रुप हो जाएगा। इफ कंडीशन इज दिस, सर आई एम अनेबल टू गिव मोर देन 4 hours, यू कांट गो फॉर बोथ ग्रुप्स। क्या Group 1 पॉसिबल है, Group 2 पॉसिबल है? 100% यस पॉसिबल है। आई थिंक आपकी सारे डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि संकट मोचन Super 30 बैच, मान के चलिए मेरे पास सिर्फ 10 to 15 सीट्स ही होंगी। अगर आप 100% सीरियस हैं कि आपको सर May 24 में 100% रिजल्ट लाना है, सो माय डियर फ्रेंड दिस बैच फॉर यू। अगर सीट मिल गई तो,
सीट नहीं मिली तो यार अभी 2000 के ऑफर, 5000 के ऑफर, 10000 में बोध ग्रुप, बहुत सारे ऑफर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यू कैन ट्राई इट। बट रिजल्ट क्या आएगा एक बार पूछ लेना सर, अगर मैं फेल हो गया तो वही कहेंगे अगली बार फीस भर दो सर, सिलेबस चेंज हो गया तो फीस भर दो। नहीं, मैं अगर आपको एक बार पकड़ूंगा तो जब तक आपको पास नहीं करवा देता, आई एम विथ यू फ्रॉम नाउ टिल योर रिजल्ट डेट। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।